हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए न्यूज ग्राम में अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस मामले की जांच अब सीबीआई के हवाले है। सवाल यह है कि मुंबई पुलिस का केस सीबीआई को क्यों गया? क्या बड़े केस की जांच में मुंबई पुलिस अक्षम है? क्या सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच में कहीं चूक हो गई? पूरे मामले पर पड़ताल करती एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मुंबई पुलिस की देश में पहचान एक तेज तर्रार पुलिस फोर्स की रही है। चाहे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए चलाई गई मुहिम हो या फिर आतंकवादियों के साथ संघर्ष, मुंबई पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी जमाने में मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती थी, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। मुंबई पुलिस का ग्लैमर, मुंबई पुलिस का रुतबा और मुंबई पुलिस की ताकत ऐसा लगता है उससे छिन सी गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी हाई प्रोफाइल मामले मुंबई पुलिस के हाथ आते हैं वो सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं। अगर बीते 10 सालों की ही बात करें तो मुंबई पुलिस के पास ऐसे कई मामले आए जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े चर्चित हुए। मुंबई पुलिस ने इन मामलों में अपनी तहकीकात शुरू की, आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू की, लेकिन इसके बाद इन मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। हम परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और हाल ही में इन्होंने सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब से पहले इस सरकार के पहले जब महाराष्ट्र के खुद मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कई सारे मामले मुंबई पुलिस से उठाकर सीबीआई को सौंप दिए थे। साल 2015 का शीना बोरा की हत्या का मामला इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस ने ही किया था। इस जांच के तहत मुंबई पुलिस ने मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को अपनी बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। साजिश में साथ देने के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर और साथ में इंद्राणी मुखर्जी के एक पूर्व पति को भी गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच आगे बढ़ी रही थी कि फडणवीस सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और इसके बाद सरकार की ओर से ये कहा गया कि न्याय के हित को देखते हुए ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। प्रायोरिटी ये थी कि ये जो 3 अक्यूज्ड हैं इनसे ज्यादा से ज्यादा इंटरोगेशन में इंफॉर्मेशन निकाले, एविडेंस करे। साइमल्टेनियसली हम पीटर के ऊपर ध्यान दे रहे थे और इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि पीटर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुड बी डन अबाउट पीटर। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं था? उसे क्यों ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस इस मामले में न्याय नहीं कर पाएगी और सीबीआई कर देगी? सिर्फ शीना बोरा का ही मामला नहीं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों पर भी तत्कालीन फडणवीस सरकार को अपनी मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं था। साल 2015 में जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से डिपोर्ट करके भारत लाया गया तो छोटा राजन के खिलाफ जो करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज थे उन तमाम मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया। ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश और जबरन उगाही से जुड़े हुए थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो मुंबई पुलिस जिसे कि अंडरवर्ल्ड से लड़ने का अच्छा खासा अनुभव रहा है, जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम चला चुकी है, जो अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नामों को एनकाउंटर्स में मार चुकी है या उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, उस मुंबई पुलिस को छोटा राजन को उनके सुपुर्द करने के बजाय उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। एक और ऐसा बड़ा मामला था जहां पर फडणवीस सरकार को मुंबई पुलिस से ज्यादा सीबीआई भरोसेमंद लगी। जून 2011 में बड़े पत्रकार जेडे, जो कि मिड डे में अपराध संपादक थे,
उनकी छोटा राजन गिरोह की ओर से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पवई पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया, क्राइम ब्रांच ने भी अपनी तहकीकात शुरू की और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ भी की। लेकिन साल 2016 में जब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। एक के बाद एक इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों को मुंबई पुलिस के हाथों से छीनकर सीबीआई को दिए जाने से मुंबई पुलिस के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी शमशेर खान पठान, जो कि 80 के दशक में अंडवल डॉन छोटा शकील को गिरफ्तार करके चर्चित हुए थे, ये सवाल करते हैं कि क्या मुंबई पुलिस अब सिर्फ चोर उचक्कों, झपट मारों या पाकिट मारों को पकड़ने के लिए रह गई है। इस तरह से इन तमाम मामलों को सीबीआई को सौंपे जाने से मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं। अब सुशांत के मैटर में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सुसाइड के बाद में एक सुसाइड नोट वापस बरामद नहीं हुआ। सेकेंडली, जो रिपोर्ट आई थी उसके सुसाइड के स्पॉट का किधर मार्क ऑफ स्ट्रगल नहीं था। मार्क ऑफ स्ट्रगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस। अगर वहां पर कुछ मार्क ऑफ वायलेंस नहीं था, मार्क ऑफ वायलेंस नहीं था तो वो तो अपना आप तो ऊपर चढ़ा नहीं है, वो खुद गया ऊपर है और ऊपर जाके उसने सुसाइड किया। बोल मुंबई पुलिस क्या इंक्वायरी कर रही है? करण जोहर को बुला रही, संजय बंसाली को। आई वाज शॉक टू रीड ऑल दिस थिंग। एक दिन देखता हूँ टीवी में, कल ये इंक्वायरी के लिए आने वाले हैं, सेकंड कैमरे वाले खड़े हो गए पूरे। फॉर व्हाट? व्हाट वे दे आर कंसर्न? कहने के तो भी गलत चल रहा था और उसका एंड बड़ा बुरा हुआ उसका। और अभी चला मैटर सीबीआई को, सुसाइड मैटर सीबीआई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डी शिवानंदन का इस मामले में नजरिया अलग है। शिवानंदन का कहना है कि सीबीआई एक विशेष एजेंसी है जिसका काम सिर्फ अपराधों की जांच करना ही है, बाकी पुलिस फोर्स की तरह उसके पास ये सिरदर्द नहीं है कि वो कानून व्यवस्था संभाले या फिर वीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। उसे अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने अधीन आए मामलों की जांच करना ही है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसोर्सेज भी बाकी एजेंसी से ज्यादा हैं और यही वजह है कि अदालत में सीबीआई का कन्विक्शन रेट अच्छा है, वो ज्यादातर मामलों में आरोपियों को सजा दिला पाती है और यही वजह है कि बड़े बड़े मामलों में सीबीआई जांच की मांग की जाती है। CBI is not a police force. You said CBI is a police force. No, it is not. It is an investigating agency. They investigate, specialize full-time, 24 hours, die-in-the-wool, professional specializing in investigation and nothing else. And that is how आपने पूछा था कुबिया क्या है, यही कुबिया है कि उनके पास कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनके पास वीआईपी विजिट नहीं है, उनके पास दूसरा लफड़ा, एज मुंबई करवुड से नो लफड़ा दे डू एक्सेप्ट इन्वेस्टिगेशन विच इज एब्सोल्युटली पार एक्सलेंस। राज्य पुलिस की तुलना में सीबीआई भले ही ज्यादा भरोसेमंद नजर आती हो, लेकिन अगर इतिहास पर गौर करें तो सीबीआई का दामन भी हमेशा पाक साफ नहीं रहा है। सीबीआई पर भी जांच में गड़बड़ी करने, भ्रष्टाचार और सत्ताधारी राजनेताओं की कठपुतली बनकर काम करने के आरोप लगते आए हैं। चर्चित आरुषि मर्डर केस की जांच में सीबीआई ने क्या गफलत की, ये सभी ने देखा। इसके अलावा पिछले साल आपको याद होगा कि सीबीआई के आला अफसरों के बीच का आपसी झगड़ा खुलकर सामने आ गया। साल 2013 में कोयला घोटाले के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते की उपाधि दी थी, जो कि अपने मालिक यानी कि सरकार की ही बोली बोलता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला भी सीबीआई के पास पहुंच गया है। मुंबई पुलिस को अब उम्मीद बची है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई की जांच को खारिज करके फिर से मामला मुंबई पुलिस के हाथों सौंप सकती है। सुशांत केस में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की तथाकथित खुदकुशी का उनकी मैनेजर दिशा की मौत से भी कोई कनेक्शन है। इस बीच एबीपी न्यूज के पास दिशा का आखिरी वीडियो आया है। ये वीडियो उसी रात का है जिस रात दिशा की मौत हुई। आप गौर से देखिए वीडियो को। यह वीडियो खुद दिशा ने शूट किया था, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने बाकायदा पोस्ट भी किया था। दुश्मनी को
सबके दिल को तो इस वीडियो में सभी लोग हंसते मुस्कुराते गाते हुए नजर आ रहे हैं। दिशा भी बिल्कुल सामान्य दिख रही हैं, मुस्कुराती हुई दिखी तो खुश थी। तो उन्होंने खुदकुशी कैसे कर ली, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये कि दिशा खुश थी तो फिर आखिर उन्होंने खुदकुशी क्यों की, ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है जो इस वीडियो ने खड़ा किया है। वीडियो शूट होने के एक घंटे के बाद हुआ क्या, सिर्फ एक घंटे के फासले में ऐसा क्या गुजरा, दिशा के लिए पार्टी थी फिर खुदकुशी क्यों? और आपको यह भी बता दें कि 7 अगस्त के दिन की पूछताछ में ईडी सूत्रों से जो जानकारी मिली है उससे कई खुलासे हुए। जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने ईडी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताया। पूछताछ में बैंक खाते में पैसे कहां से आए, पैसे कहां खर्च किए, रिया ये जवाब भी नहीं दे पाई। ये जानकारी भी सामने आई है कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट रितेश शाह, भाई शोभिक और खुद रिया चक्रवर्ती, चारों लोगों को अलग केबिन में बिठाकर पूछताछ की गई है और अब तक चारों को एक साथ बिठाकर पूछताछ नहीं हुई है। रिया और शोभिक चक्रवर्ती से उनके सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई। ईडी ने परिवार के सभी सदस्यों के बैंक अकाउंट्स और उनके स्टेटमेंट से जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं। रिया से उनके पिछले कुछ सालों में हुई आमदनी और निवेश के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। उस तरीके के भी पूछे गए। और अब यह देखना है होगा कि आखिर इस पूछताछ से और क्या जानकारी एजेंसियां जुटा पाती हैं।